610 मेरा रूम नंबर, मैंने बाहर स्टिकी नोट्स में लिखकर चिपका रखा है, डू नॉट डिस्टर्ब, समथिंग इम्पॉर्टेंट देन कॉल मी। ये थोड़ा सही रहता है क्योंकि अगर आपके दोस्त लोग हैं वो लोग पढ़ चुके हो और आपके रूम में फ्री टाइम में आना चाहते, ऐसे कम लोग दोस्त आते हैं, आप पढ़ रहे हो आपका कंसंट्रेशन बिगड़ सकता है, तो वैसे ही लिखकर मैंने चिपका दिया था, कम दोस्त लोग आते हैं ऐसे। ये स्टडी टेबल हमारा, कोई भी स्टूडेंट का मैक्सिमम टाइम स्पेंड होने वाली जगह। यहाँ पर आपको देखने को मिलेगा कुछ शॉर्ट नोट्स वगैरह है, मतलब ये मैंने दोनों तरफ से ऐसा कर रखा है, पहले था कि बहुत सारे थे तो इधर उधर बहुत सारे हो गए थे, मैंने सबको अरेंज करके दोनों तरफ से चिपका दिया तो सब एक साथ हो गए, इतने सारे मैंने इंपॉर्टेंट पॉइंट्स एक जगह पर कलेक्ट कर लिए सबको। शॉर्ट नोट्स आपको यहाँ पर देखने को मिलेगा, मैं इससे पहले एनाटॉमी पढ़ रहा था अभी जस्ट, कीपैड फ़ोन बहुत ज़रूरी है ये तो। और इस पर देखेंगे, इस पर सबसे इम्पोर्टेंट चीज़ मेरा प्लानर है, ये मुझे बहुत है, मैं हमेशा हर एक मंथ का लिख लेता हूँ। तो इस पर जैसे कि आप देख रहे हैं यहाँ पर 4 तारीख था, तो आज मेरा एक टेस्ट है तो 2 बजे से है तो वो मुझे देना है, और उसके बाद फिर 10 तारीख को है तो मैं इस शेड्यूल के हिसाब से पढ़ता हूँ। शॉर्ट नोट्स है, पेन वगैरह, और मुझे क्यों सॉल्व करना, मतलब अच्छा लगता है सॉल्व करने में, मूड फ्रेश हो जाता है। और ये वाईफाई, मतलब सिम तो मैं बात तो कीपैड फ़ोन से करता हूँ, ये वाईफाई वाला आईपैड है, मतलब वाईफाई वाला आईपैड है, सिम नहीं लगता इसमें, इसलिए वो ज़रूरत है। स्टडी टेबल में उसके नीचे आपको देखने को मिलेगा, मतलब ज़रूरतमंद की सारी चीज़ें इसी में, मतलब मैक्सिमम मेरी चीज़ें इसी में रहती है, वॉलेट हो गया, थोड़ा चॉकलेट्स वॉकलेट्स अच्छे लगते हैं खाने में, पेन वेन ट्रिमर वगैरह सब इसी में है। और एक बात और, मतलब ये देखा होगा मैंने स्टडी टेबल पे जो यहाँ पे लाइट है उसके सामने मैंने एक पेज लगा रखा है, मतलब इस पे डायरेक्ट आँखों पे लाइट नहीं आती है, मैंने भैया मुझे भैया ने सिखाया था, मैं उनके साथ लाइब्रेरी में पढ़ता था जो ऐसे ही रहता है, मैंने सामने कुछ फॉर्मूलेज लगा रखे, मतलब ऑर्गेनिक के स्ट्रक्चर्स याद रहते हैं। पीरियोडिक टेबल एक छोटा सा मैं उसे हाथ में ही लेकर कर लेता हूँ, एक बड़ा सा दीवार पर चिपकाने से उतना नज़र पहुँच जाए, मैं जस्ट लेकर फटाफट कर लेता हूँ। अलार्म क्लॉक है, ये तो कितना ज़रूरी है यार, सभी जानते हैं। और इधर सत्तुए यार, मतलब बिहार से हैं तो बिहार वाले जानते होंगे, कुछ फ्रूट्स वगैरह, ड्राई फ्रूट्स, चने मैं रख देता हूँ उस रात में भिगो के, सुबह में खाने के लिए भी खाऊँगा। इधर कुछ है ग्लास व्लास, मेस से आता हूँ तो दूध भी पी के यहीं पे तो जाऊँगा शाम में। फिर नीचे कपड़े धोने के लिए आता है, ले जाता है 4-5 दिन पर। बाथरूम दिखाता हूँ, यहाँ सबका जॉइंट बाथरूम ही रहता है अपना अपना, और फिर मतलब यहाँ बेसिन, कोलगेट ब्रश, हैंड वॉश वगैरह, मिरर ये नहाने के लिए, शावर वगैरह, कबर्ड है सबका अपना अपना, मैंने उसके ऊपर ट्रॉली बैग्स रख रखी है, इसके अंदर कुछ कपड़े और कुछ खाने पीने की चीज़ें। ये पार्ले जी यार, मतलब हम लोग को मेस में ही, मतलब नाश्ते में कभी कभी मिल जाता है चाउमीन मैगी नहीं देकर, तो मैंने रख लिया यार कि चलो रात में कभी भूख लगे तो किसी को भी मिल जाएगा। मुझे मठरी और सोन पापड़ी बहुत अच्छे लगते हैं तो इसलिए मैं हमेशा रखता हूँ। कुछ बिस्किट्स, कुछ जूस, पीछे ख़त्म हो चुके, आगे ख़त्म करना है। और ये आईपैड एक कवर जिसे मैं शूट कर रहा हूँ, नीचे प्लास्टिक वगैरह रख देता हूँ, कभी ना कभी तो काम आ ही जाएंगे। और ये सिंगल बेड, और ये रेफ्रिजरेटर है 1 स्टार, यार कोई काम का नहीं है, बहुत बिजली बिल लेता है। और ये देखिए विटामिन सी और गिलोय, मैं हमेशा वीडियो में भी बोलता हूँ इसका यूज़ करने के लिए, मैं करता भी हूँ। और ये कुछ सॉस वगैरह पड़े हैं, मतलब पिज़्ज़ा वगैरह कुछ ऑर्डर कर लिया तो ज़्यादा बच जाते हैं ये। और ये मास्क से मैं बाहर जा वगैरह जाता हूँ तो यहीं पर ला कर रख देता हूँ। और ये रूम थोड़ा गंदा है यार, मैंने 2-4 दिन से साफ़ नहीं करवाया, नाश्ते की प्लेट है, तो सुबह खाया था तो जाऊँगा दोपहर में तो रख दूँगा। मैं थोड़ा बाहर दिखा देता हूँ आपको बालकनी, जस्ट मेरे रूम से ही बगल में ही है ये रहा रूम, और इधर जस्ट बगल में बालकनी, यहाँ से थोड़ा सीन सही आता है, 6th फ्लोर है तो बुक्स लेकर यहाँ पे मैं पढ़ता हूँ कभी कभी। ये यहाँ पर डेली आकर बैठता है। अब मैं आप लोग को एक और चीज़ दिखाता हूँ,
ये तो मेरा रूम था, इधर लिफ्ट वगैरह। तो इस लॉकडाउन है तो इस फ्लोर पे हम लोग चार दोस्त रहते हैं, अभी तो ज़्यादा बच्चे नहीं। इसमें हर्ष रहता है 609, 604 में प्रांजल रहता है, इसने भी लिखकर चिपकाया हुआ है डोंट नॉक। इधर राजशेखर 605 में, ये भी डोंट नॉक। और इधर हम लोग का कॉमन ड्रिंकिंग वाटर, मतलब यहाँ से आकर मतलब चिल पानी यहाँ पे आता है, मैगी काउंटर है, कॉमन है, इंडक्शन है यहाँ पे, मतलब कभी भी आके मैगी बना लेते हैं। और यहाँ पे एग पड़े हैं, 10 बचे हुए थे और शेट 6 बचे हुए। अच्छा मतलब किसी ने कॉमन, किसी का मन करता है तो मतलब सब पैसे कलेक्ट करते हैं और आपस में लेकर यहाँ पे रख देते हैं कुछ खाने पीने के लिए, तो सही रहता है ऐसे।